वेलकम बैक टू फार्मेसी नोट्स। आई एम हेयर विद द न्यू वीडियो। तो आज हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी सीरीज़ की लास्ट वीडियो है। तो अगर आपने इस सीरीज़ की कोई भी वीडियो मिस की है तो तमाम के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वीडियोस को देख सकते हैं। और प्लीज़ वीडियोस को कंप्लीट देख लीजिएगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। आज हम डिस्कस करेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को। हम इसका इंट्रोडक्शन, इसका प्रिंसिपल, इसके इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, बिफोर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे पास इंटरेक्शन है बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड मैटर। जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बीच में और मैटर के बीच में जो इंट्रैक्शन होती है, हम उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। और हमारे पास जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसमें हमारे पास जो लाइट यूज़ होती है, जहाँ पे हमारी मैटर के साथ इंट्रैक्शन हो रही है, वो लाइट हमारे पास विद इन द यूवी विजिबल रीजन होता है। यूवी विजिबल रीजन हमारे पास दो रीजन्स हैं। यूवी हमारे पास होता है 200 to 400 नैनोमीटर्स, एंड देन हमारे पास जो 400 टू 800 नैनोमीटर है, दैट इज़ द विजिबल रीजन ऑफ लाइट, जो कि हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं। तो ड्यू टू दिस वेवलेंथ, दैट इज़ इसमें हम जो स्टडी कर रहे हैं वो 200 to 400 एंड देन 400 to 800 है, तो ये रीजन हमारे पास यूवी विजिबल में आता है। तो इस वजह से हम इस टेक्निक को यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। देन हमारे पास यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो लाइट एब्जॉर्ब होती है एट विच ईच वेवलेंथ ऑफ यूवी एंड विजिबल रीजन, हम उसको मेजर करते हैं कि हमारे हम उस एब्जॉर्प्शन को मेजर करते हैं जो हमारे पास यूवी और विजिबल रीजन में होती है। इस वजह से इसको हम जो है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। अब जैसे एब्जॉर्प्शन हुई रेडिएशंस की बाय द मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेंगे विद इन द यूवी विजिबल रीजन, आफ्टर एब्जॉर्प्शन वो हमारे पास एक्साइटेड स्टेट्स में चले जाते हैं, और हमारे पास जो हैं वो मॉलिक्यूलर एक्साइटेशंस होती हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं और ट्रांजिशंस करते हैं टू द हायर एनर्जी लेवल। वी हैव यूवी रीजन, हमारे पास जो यूवी रीजन्स हैं वो दो होते हैं। एक जो हमारे पास यहाँ है ये वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन है, प्लीज़ इसको करेक्ट कीजिएगा, टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हुई है। तो हमारे पास ये रीजन है, ये बिलो 200 नैनोमीटर होता है। अगर हमने इस रेंज के अंदर अपने इंस्ट्रूमेंट से मेजर करना है या एब्जॉर्प्शन को हमने चेक करना है, तो हमारी जो इंस्ट्रूमेंट हमने इसके लिए यूज़ करनी है, उसके अंदर हमारे पास यूजली वो फिल्ड होती है ऑक्सीजन के साथ, तो हमने उसको रिप्लेस करना है नाइट्रोजन के साथ। अगर हम इसको इवैक्यूएट कर देते हैं, मतलब कि हम ऑक्सीजन को निकाल देते हैं और नाइट्रोजन को इंसर्ट करते हैं उसके अंदर, तो देन हमारे लिए ये पॉसिबल है कि हम यूवी रीजन को बिलो 200 नैनोमीटर भी स्टडी कर सकते हैं। अब ये रीजन हमारे पास बिलो 200 नैनोमीटर है, इस वजह से हम इसको वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन भी कहते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट टाइप है ऑर्डिनरी अल्ट्रावायलेट रीजन, ये हमारे पास जो है वो 200 to 400 नैनोमीटर का रीजन में प्रेजेंट होता है। जो 200 से 400 नैनोमीटर हम का रीजन है हमारे पास, उसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी अल्ट्रावायलेट रीजन। वी हैव प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये हमारे पास जो है इसका प्रिंसिपल है वो बेस्ड होता है ऑन द एब्जॉर्प्शन। हमारे पास जो एटम्स प्रेजेंट होंगे हमारे सैंपल के अंदर, वो क्या करते हैं कि वो एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को, दैट इज़ इन फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, एंड वो हमारे पास ट्रांजिशंस करते हैं टू द हायर एनर्जी लेवल्स। अब वहाँ पे जो जैसे ही वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, वो एक्साइटेड हो जाते हैं ड्यू टू एब्जॉर्बेंस ऑफ एनर्जी, तो वो मूव करते हैं टू द हायर एनर्जी लेवल। अब क्योंकि वो हमारे पास उनकी जो अनस्टेबल स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है, इस वजह से वो अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वापस ग्राउंड स्टेट में आएंगे। अब जैसे ही वो ग्राउंड स्टेट में वापस आते हैं, वो एनर्जीज जो इन्होंने एब्जॉर्ब की होती हैं वो वापस एमिट करते हैं, और यहाँ पे वो जो वापस उन्होंने एमिट करनी है रेडिएशंस या एनर्जी जो इन्होंने एब्जॉर्ब की है, वो वापस हमारे पास एमिट करते हैं इन यूवी विजिबल रीजन, जो कि हमारे पास डिटेक्ट होती है इन द डिटेक्टर, एंड देन हमारे पास वो उसके रिजल्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले होते हैं इन फॉर्म ऑफ अ ग्राफ। देन हम आइडेंटिफाई करते हैं ये हमारे पास कौन से
कंपाउंड्स प्रेजेंट थे जिन्होंने एब्जॉर्प्शन की इस रेंज के अंदर, और वापस इस रेंज के अंदर उन्होंने जो है ना वो एमिट किया। हर एक जो कंपाउंड की है वो डिफरेंट रेंज होती है, वो डिफरेंट रेंज में एमिट करेंगे, तो ऑन दैट बेसिस हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारे पास कौन सा कंपाउंड इसके अंदर प्रेजेंट था। ये आपके सामने एक डायग्राम है जिसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्राउंड स्टेट से एब्जॉर्ब करेंगे हमारे पास एनर्जी को, और वो मूव करते हैं टू द एक्साइटेड स्टेट। तो जो हमारे पास टोटल एनर्जी है वो एक्साइटेड से माइनस करते हैं हम ग्राउंड स्टेट, जो उसकी ग्राउंड स्टेट में है, तो देन ये हमारे पास शो करता है कि उसने कितनी एब्जॉर्प्शन की है। एब्जॉर्प्शन फाइंड करने के लिए हम जो एक्साइटेड स्टेट में जो उसकी वैल्यू है उसमें से हम उसकी ग्राउंड स्टेट की वैल्यू को माइनस करते हैं, तो जो रिज़ल्ट हमारे पास आता है वो ये बताता है कि इसने कितनी जो रेडिएशंस हैं, कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है टू मूव फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट। अब हम डिस्कस करेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले हमारे पास एक लाइट सोर्स हम लेते हैं। लाइट सोर्स हमारे पास ऐसे हम लाइट सोर्स को सेलेक्ट करते हैं कि जो कि हमारे पास वेवलेंथ प्रोड्यूस करेगा बिटवीन 200 to 400। ये हमारे पास जो है हमारे पास यूवी रीजन की है, एंड देन 400 to 800 नैनोमीटर्स। तो इसके हमारी जो लाइट सोर्स है उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो हमारे पास 200 to 800 नैनोमीटर तक की लाइट को प्रोड्यूस कर सके। देन इट इंटर्स इनटू द मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर के पास हमारे पास दो स्लिट्स लगी होती हैं। जो फर्स्ट स्लिट होती है, फर्स्ट स्लिट का काम ये होता है कि वो हमारे पास एक पैरेलल जो हमारी लाइट आ रही है फ्रॉम लाइट सोर्स उसको पैरेलली जाके स्ट्राइक करवाती है मोनोक्रोमेटर के ऊपर। देन मोनोक्रोमेटर से हमारे पास आगे डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट एमिट होती हैं। देन हमारे पास एक सेकेंड स्लिट लगी होती है। सेकेंड स्लिट का काम ये होता है कि वो स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली लाइट को वहाँ से मूव करने देती है। वहाँ से जब स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली लाइट पास करेगी, देन वो हमारे पास डिवाइड होती है टू वो वेवलेंथ टू में डिवाइड होगी जिसकी इंटेंसिटी सेम होगी। एक जो है वो पार्ट हमारा उसका सैंपल के ऊपर स्ट्राइक करेगा और एक रेफरेंस बीम के ऊपर स्ट्राइक करेगा। रेफरेंस बीम ये हमारे पास जो है एक क्लियर सॉल्यूशन लेते हैं या हम इसको बफर लेते हैं, इसके अंदर हमारा कोई भी कंपाउंड प्रेजेंट नहीं होता, तो इसमें हमारे पास जितनी भी लाइट इससे थ्रू जाएगी वो टोटली ट्रांसमिट हो जाएगी। देन जो हमारे पास है सैंपल, सैंपल जो हमारे पास है सैंपल हमने रखा होता है क्यूवेट के अंदर। क्यूवेट हमारे पास जो है ग्लास और क्वार्ट्ज की बनी होती है। अब देन हमारे पास जो लाइट जा रही है, अब वो सैंपल कितनी लाइट एब्जॉर्ब करेगा ये हमारे पास डिपेंड करता है ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल एंड द पाथ लेंथ। पाथ लेंथ जो वो थिकनेस जो है वो कितनी है उसकी। अब बियर लैम्बर्ट लॉ था जो हमारे पास, उसके अंदर वो बताता है कि जितनी आपकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की या सैंपल की ज़्यादा होगी उतनी आपकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। एंड देन हमारे पास जो बियर और लैम्बर्ट लॉ था, लैम्बर्ट ने क्या बताया था कि हमारे पास जो पाथ लेंथ है जितनी आपकी पाथ लेंथ ज़्यादा होगी उतनी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। तो हमारे पास जो ए है, हम सपोज करते हैं कि ए हमारे पास एब्जॉर्बेंस है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनटू सी इनटू एल। सी हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल, एंड देन एल हमारे पास है पाथ लेंथ। तो हमारे पास जितनी ये ज़्यादा होगी उतनी ही एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगी। देन आफ्टर दैट ये हमारे पास मूव करेगी फ्रॉम सैंपल, तो हमारे पास कुछ लाइट एब्जॉर्ब होगी एंड कुछ हमारे पास मूव करेगी। अब देन जब वो मूव करती है तो देन बिफोर एंटरिंग इनटू द डिटेक्टर हमारे पास ये मिक्स होती हैं। देन डिटेक्टर का काम क्या है कि वो हमारे पास रेशियो फाइंड करता है यूजिंग द रेफरेंस बीम एंड द सैंपल के, सैंपल से हमारे पास कितनी लाइट आई और जो हमारे पास सैंपल है और जो हमारे पास रेफरेंस है उससे कितनी आई। देन ये हमारे पास रेशो को फाइंड करता है डिटेक्टर, एंड देन हमारे पास डिटेक्टर जो है ये इनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है लाइट सिग्नल्स को, एंड देन हमारे पास जो डाटा है वो डिस्प्ले होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। तो ये हमारे पास थी सिंपल सी इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। वी हैव एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस में हमारे पास ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। अगर हमने कैरेक्टराइजेशन करनी है एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड कंजुगेटेड ओलिफिन्स की अपने सैंपल के अंदर हमने डिटेक्ट करना है उनको, देन हम यूज़ कर सकते हैं
हमारे पास जो है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को, देन इसको यूज़ करते हुए हम मोलर कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन भी फाइंड कर सकते हैं हमारे उस सैल्यूट की जो कि हमारे पास अंडर द स्टडी है या जिसको हमने थ्रू द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करना है। देन डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज़, अगर हमारे सैंपल के अंदर या हमने किसी चीज़ के अंदर कोई डिटेक्ट करनी है इम्प्योरिटीज़, हम उसके लिए भी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारे पास वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड है फॉर डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। देन हमारे पास डिटेक्शन ऑफ आइसोमर्स के एक कंपाउंड्स के कितने आइसोमर्स हैं वो हम उसके लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, हम मॉलिक्यूलर वेट जो बियर्स लॉ था कि जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतनी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, तो हम इसको यूजिंग बियर्स लॉ हम जो है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए कंपाउंड भी डिटरमिन कर सकते हैं। आई होप आपको सब क्लियर हुआ होगा। अगर स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का ज़रूर आंसर करूँगा। तो ये हमारी लास्ट वीडियो थी ऑन द स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। एंड एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले मज़ीद आप लोगों के लिए और वीडियोज़ बनाने की। और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।